गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। मम्मी को इधर उल्लू बहुत बनाते हो तुम। निक्कू बात कर रहा है अपनी मम्मा से। क्या क्या प्लानिंग कर रहा है निक्कू? बुआ उल्लू बना रही है। इधर देखिए फ्रेंड्स, निक्कू अपनी मम्मा से बात कर रहा है और ये उल्लू शब्द का प्रयोग ज्यादा करता है निक्कू। निक्कू किससे बात कर रहे हो? दिखाओ इसमें वीडियो में। कैसी है मम्मी तुम्हारी? हमने तो देखी नहीं है। दिखाओ, कहाँ दिख रही है मम्मी? तो भाग गई मुझे आते ही इसकी मम्मा वीडियो से गायब हो जाती है। वो तरुण को दिखाने लगे। जैसे ही मैं आता हूँ गांव की रीत रिवाज के अनुसार, मैं थोड़ा बड़ा हूँ, साला मेरा छोटा है, इसलिए गांव की रीत रिवाज के अनुसार आरती के बाद। गुड इवनिंग राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अच्छे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ दो दिन से लाइट जो परेशान कर दिए कि उसने जिला दिया है हमको अच्छी तरह। 10:30 बजने वाले हैं तो थोड़ा सा पानी मांगा है, तब ये खाना बन रहा है मेरा, आटा लग के और बर्तन पूरा सिंक वाले पड़े हैं मेरे। समस्या रही है फ्रेंड्स, सारे दिन पानी नल चलाना। एक तो हमारा नल पानी छोड़ जाता है आधा घंटा, उसमें एक बाल्टी पानी डालो। अगर एक बाल दो बाल्टी भर के लानी है तो एक घंटा चलाओ पहले उसको, घंटे भर चलाओ, वो भी नीचा है पूरा, ऐसे लगता गई जान। दिन भर यही तो टंकी रही है। मैंने तो कुर्सी डाल ली और आटा लेके चलाता रहा आराम से, जैसे पहले समर वगैरह नहीं थी ब्याह शादी में, एक लोग नली चलाते और लाइट ना आने का प्रकोप हमारे घर पे देख सकते हो। पंखा भी नहीं चल रहा है, पंखा इसलिए नहीं चला रहे कि पता चले फिर लाइट नहीं जल पा रही है, लाइट गुल हो जाए, इसलिए मैं पंखा नहीं चला रही हूँ। और देखिए ये कंडीशन हो रही है, देखो कैसे सोई पड़ी है इसको। गर्मी से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, एकदम ऐसे सो गई है, पसीना पसीना हो रहा है। तो अभी मैं फ्री हो जाऊँ, पहले तो देखते हैं छत पे जाएंगे सारे लोग, आज छत पे बिस्तर लगाएंगे। और इधर हर्षित लगाए, हर्षित तुमको हाँ हमेशा दिखेगा सिर्फ और सिर्फ फोन के पास। ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे थे। पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे थे, जब देखो तो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, ऐसे 1% भी नहीं है इसको। जब भी मौका पाता है, जब भी लगेगा कि सब लोग सॉरी ये चिपटा है हाथ में पकड़े सो रख देना, जब भी इसको लगेगा कि सब लोग बिजी है और बस इसका शुरू हो जाता है अपना अलग ही गेम। तो इसको भी आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं शाम के टाइम से, 1 घंटे से लगभग, कि पानी भर लो भैया तो बर्तन वर्तन धुल जाए। ये भी हिम्मत पूरी मेहनत कर रही है, हमसे हिम्मत नहीं मिली। ये भी हिम्मत हार चुका है और सर भी हिम्मत हार चुके हैं, ये दोनों लोग हिम्मत हार चुके हैं। और मैं तो पहले ही हथियार डाल देती हूँ पानी के नाम से, मेरी बस की बात नहीं है नीचे से ऊपर चढ़ाने वाले। इधर निक्कू हवा में बैठा इंजॉय कर रहा है। क्या क्या झूठ बोल रहे हो? क्या क्या झूठ बोल रहे हो मम्मी से? नहीं, बुराई कर रहे हो तो मेरी नहीं। कर रहे हो नहीं। क्या बुराई कर रहे हो? मुझे सुनाई आ रहा था तुम ये कह रहे थे कि बुआ मारती है। क्या कह रहे थे फिर? कौन सी दूसरी बात कह रहे थे? बारिश की बात हो रही थी। उनके यहाँ बारिश हो गई है? अपने यहाँ तो नहीं हुई। संजा को नहीं कहते, संजा को नहीं कहते, शाम को होती है कहते हैं। शाम को तो हो रही है, रात तो हो गई है, अभी अभी भी बारिश कहाँ हो रही है? आज सोए नहीं कहते? कहाँ ऊपर बारिश नहीं चलेगी? आज बारिश में ही सोना पड़ेगा क्या? पूरे मोहल्ले में आप लोग देख सकते हैं, पूरे मोहल्ले में एकदम अंधेरा पड़ा है एकदम से, क्योंकि लाइट है नहीं, तो इन्वर्टर
लोगों के इन्वर्टर भी ना लोग बड़े उसको सोच समझ के चला रहे हैं, क्या पता चले पता चले इधर सर तब तक खाना बनाने लगे, पता चले कि उनकी लाइटिंग बंद हो जाए। तो मुझे पूरी बात मेरी कह लेने दिया करो, ये देखो मेरे घर पे भैया रोटी बनी है, ओहो जल रहे हैं, इसका चिमटा भी दिखाओ जरूरी है। ये रोटी है, प्रैक्टिस कर, ट्रायंगल पराठा तो बोल सकते हैं वैसे इसको, प्रैक्टिस करता हूं आ जाएगी धीरे धीरे, गिर जाएगी, ट्रायंगल पराठा तो इसको बोल सकते हैं, नहीं गिरेगी, चिमटा से पकड़ा हुआ है इसको, ट्रायंगल पराठा तो बोल सकते हैं आप लोग बताइए कमेंट करके, ट्रायंगल पराठा बोलेंगे या भारत का नक्शा बोलेंगे और क्या बोलेंगे, मुझे तो कभी नहीं समझ आया। आज दो चार रोटी मैं बनाता हूं, ऐसे करो मेरा आटा न खराब करो, प्रैक्टिस करता हूं ये काम और सीखो तब तो फिर मेरी बल्ले बल्ले, देखो सेक के दिखा रहा हूं। हां ये काम हर काम करना चाहिए फ्रेंड्स, कब से किसी का ताना बर्दाश्त नहीं, ओहो हो पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन रहना ठीक नहीं है, आरती रोटी दे दो, आरती रोटी दे दो, अरे खुद जानो नहीं, हम लोगों में ये डिस्कशन इस वजह से हुआ था रोटी का, जो सब ताना दे रहे हैं मुझे पता है क्यों दे रहे हैं, सही सर मांग रहे थे रोटी खाना दो और मैं मांग रही थी पानी, पानी दो पानी दो, भाई जब पानी होगा तभी ना रोटी बनाऊंगी, मैं बिना पानी की रोटी कैसे बना लूंगी, बस आप लोग भी कमेंट करके बताइए, बिना पानी के कुछ संभव ही नहीं है, और शहर का मेडे से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, बस बना बना सोच में मैं भी खाऊंगी गरम गरम, बड़ा मजा आएगा, कच्ची न रहे ताकि पेट दर्द न हो, बाकी ठीक है, बहुत अच्छी रोटी है, बना बना मैं भी खाऊंगी आज तुम्हारे याद की, मजा आएगा खाने में गरम गरम, इसको तवा को तो चलाओ, गर्म ही नहीं होगा तो ये बनेगी कैसे, बताते चलो थोड़ा दो चार रोटी आज सेक दे, हाथ धुले थे कि नहीं, हाथ नहीं धुले तब तो भी खाना है, मुझे बना नहीं पड़ती है, और नहीं तो क्या पता नहीं क्या क्या छुआ होगा तुमने, नहीं तो मैं खा लूंगा, फिलहाल हाथ धोने लायक पानी नहीं है, खाली आँखों में पानी बचा है, आज ये सोचेंगे कि बाहर का खाना कौन सा साफ सुथरा होता है, आज ये जान के खा लेंगे, हम खा लेंगे सब बनाइए आप, ये जान के खा लेंगे आज हमने बाहर खाया, ये क्या कर रहे हो, इसको गोल गोल घुमाया करो ना, गोल गोल कैसे, अरे ये देखो भैया रोटी बन रही है, एक तरफ से थोड़ी घुमाया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, डबल हो गई, अरविंद सर देखो कितनी अच्छी रोटियां बनाते हैं ना, बिना फैमिली के रहते हैं बहुत अच्छी रोटी बनाते हैं, हमारे बढ़िया बना लेते हैं भाई, एक ये है वो तो अरविंद सर अगर मेरा वीडियो देखे तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, संगत का असर तो आना चाहिए कम से कम, कुछ ज्यादा ना सिखाओ तो संगत का असर आना चाहिए इसमें, कम से कम रोटियां बनाना सर को आना चाहिए, बाकी सब्जी बना पाए या ना बना पाए तो चलेगा, ये टेढ़े मेढ़े नक्शे ना बनाए बस, अरुण सर मुझे भी सिखा दो भाई, वो बनाता ट्रायंगल पराठा और ये बन गई है नान, नान ऐसे ही होती है ना लंबी लंबी, तो ये नान बन गई, लेकिन हाथ नहीं धुले फ्रेंड्स, कोई बात नहीं मैं खुद खा लूंगा, नहीं हम खाएंगे, हम सोचेंगे बाहर खाया है मैंने, नहीं हाथ नहीं धुले गंदे हाथों से बना, गंदे हाथों से निकू बना रहे फूफा खाना, तू खाएगा गंदे हाथों से खाना बना रहे फूफा खाएगा, नहीं खाओगे तब कौन खाएगा इनका खाना, क्या तो फूफा जी खुद खा लेंगे, फूफा जी खुद खा लेंगे पूरा खा लेंगे, फिर हम लोग क्या खाएंगे, अपने हाथ से तो जब बनाएंगे ना पानी होगा, पानी नहीं है, पानी हाँ खत्म हो गया पानी, तो अब क्या करोगे, आरो के पानी से बार बार खाना बनाएंगे तो पीने के लिए भी नहीं बचेगा, फ्रेंड्स बिना पानी के कुछ नहीं है, क्या हुआ क्या खोल लेते हो, अब मैं इसका बदलूंगी कोड बहुत जल्दी बदलूंगी, हाँ मेरा मन मेरा खोल ही नहीं पाओगे, लैंग्वेज बढ़िया लगती है क्योंकि मेरा मन, तब भी खोल लूंगा, कैसे खोल लोगे, फिर बदल ही दूंगी मैं तो,
पता ही नहीं चलेगा तुमको, पता ही नहीं चलेगा। हाँ तो मैं को मोबाइल देगी, मैं खोल लूंगा हाल। कैसे पता ही नहीं चलेगा तो कैसे? बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं, इसको कोड किसी ने सिखाया, बस देख के ना दो चार बार दिखा ये परसेप कोड डाल के और मेरा अनलॉक कर देता है फोन। ये मैं इसका कोड बहुत जल्दी बदलने वाली हूँ, क्योंकि ये कभी कभार क्या होता है किसी को भी फोन रोक देता है, कभी कभार हाथ दबने से ना फोन इधर उधर लगी जाता है। सर छोड़िए लो, अरे यार ना आटा खराब तो बढ़िया आटा ना खराब करो, देखो पूरी रोटियां का आटा खराब कर रहा है, सबको क्या सूझा है, इसको कौन खाएगा? लेकिन लगेंगे टेस्टी है। अरे यार रहने दो, नंटा बन गई, लो पकड़ो। तो फ्रेंड्स कहावत याद आ गई मुझे, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नवरे मोती मानस चून, बिना पानी के चून आटा, आटा भी नहीं गूथा जाता बिना पानी के, यानी एक आंख को पानी कहीं ना कहीं, आंख में भी पानी होना चाहिए, कहीं ना कहीं मनुष्य भी नहीं तब। ये गलती हमारी है जो पानी नहीं है, बीच में लाइट आई थी पर आलस जो भरे पड़े हैं थोड़े, चलाया गया नहीं है, उस समय सो रहे थे हम लोग। रोटियां मैंने बेल ली, आरती सेक रही है। फ्रेंड्स मुझे देखो फूली फूली रोटी मस्त है एकदम, थोड़ी फट गई है कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखते हैं। और फ्रेंड्स अंधेरा काफ़ी हो चुका है, रात भी काफ़ी हो गई, लगभग 11 बजे का समय हो गया, इधर बच्चे लगे हैं अभी पढ़ने में, और इधर आरती देखिए पंखा बंद करके और लाइट बंद करके टीवी चल रही है भाई। मैंने केवल 10 मिनट के लिए चलाई है, बस केवल 10 मिनट के लिए। इन्वर्टर सिर्फ लाइट जलने लायक बचा है, लेकिन आरती टीवी चला रही है। नहीं वो बंद कर दूंगी मैं, खाली 10 मिनट के लिए वो देखने लगी, खतरों का खिलाड़ी, मुझे रियल वो होते हैं ना, खतरों खिलाड़ी अच्छा लगता है। नहीं रियल शो जो भी है अच्छे लगते हैं। देखिए भाई ये खतरों के खिलाड़ी इसको अच्छे लगते हैं, बिग बॉस अच्छा लगता है। और ये दोनों बुआ भतीजे ये देखो गर्मी में सिर खुजला रहा है, गमोरियां इसको खा रही, लेकिन टीवी से चिपका है बाबू, टीवी से चिपका है बाबू, गमोरियां खा रही है बाबू को, टीवी से चिपका। अब चलो बाहर, जो बुआ देखेगी टीवी तो भतीजा कहाँ, भाई बुआ भतीजे की जोड़ी तो वैसे ही जमती है। चलो निकू बाहर चलो, तुम हवा में बैठेंगे, लाइट नहीं कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स इतना ही रहेगा वीडियो में, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।